सो नाउ व्हाट दे आर सेइंग, द बोर्ड डज नॉट अंडरटेक डे टू डे ऑपरेशनल मैनेजमेंट. जस्ट गिव मी 2 मिनट बिकॉज माई चार्जर इज आई नीड टू चार्ज. यस, सो वी आर डिस्कसिंग दैट डायरेक्टर जनरली कभी भी डे टू डे के काम नहीं करेंगे. आप सोचिए छोटे मोटे अगर काम है तो क्या हर काम डायरेक्टर करेगा? सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दैट कि डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो डे टू डे ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए काम नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई दे हैव टू फॉलो बैलेंस्ड अप्रोच. इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस. कुछ काम उनको डेलीगेट करने पड़ेंगे और कुछ टास्क उनको क्या करने पड़ेंगे? सेल्फ लेवल पर परफॉर्म करने पड़ेंगे. If these two obligations are met, the board can comfortable that they will not expose to vast area of management including personal liability. तो इनके बीच में हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस को बनाकर रखना पड़ेगा. सो बेसिकली जनरली यहाँ पे बात थी. अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर केस लॉ के थ्रू अपने को ध्यान रखना पड़ेगा. देखो यहाँ पर ASC versus Gallagher, तो ड्यूटी टू एक्ट विद द केयर एंड डिलीजेंस. This is very important. Just a second. उससे पहले एक लाइन है, last line. Manage induced person liabilities means कहाँ पर? If these two obligations are met, मतलब अगर मान के चलिए डायरेक्टर ने negligent होकर काम किया और उससे कंपनी को अगर किसी प्रकार का कोई सफर हुआ तो he will personally liable. ठीक है, तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि ओवरऑल इस पूरे नटशेल पैरा का मतलब यही है कि डायरेक्टर को बेस्ट जजमेंट ऑफ द कंपनी काम करना चाहिए और बैलेंस बनाकर. कुछ टास्क के लिए डायरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल भी ठहराया जा सकता है, और लेकिन डायरेक्टर हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता जब उसने प्रॉपर अथॉरिटी के साथ में अपने काम को क्या किया हो, डेलीगेट किया हो. नाउ डायरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल कब ठहराया जाता है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है. ड्यूटी टू एक्ट विथ केयर एंड डेलीजेंस. केयर एंड डेलीजेंट मीन मतलब अपना उचित सावधानी रखते हुए प्रॉपर डेलीजेंस के साथ में उसको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा. डायरेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू रन बिजनेस एम टू मेकिंग प्रॉफिट एंड मस्ट देयरफॉर बी ए पोजीशन टू टेक रिस्क टू इनहेंस द प्रोस्पेक्ट ऑफ द एंटरप्राइजेस. ऑब्वियसली बात है, आप सोचो जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन रिस्क लेकर नहीं काम करेगी तब तक प्रॉफिट नहीं कमा सकती. तो जब आप जिंदगी में रिस्क लेते हैं तो आपको लॉस के भी चांसेस होते हैं. सो क्या हर लॉस के लिए डायरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया जाए? नहीं, बस डायरेक्टर को किससे काम करना है? ड्यू डेलीजेंस के साथ में, केयर और डेलीजेंस के साथ में काम करना है. हाउएवर दिस रिस्क टेकिंग शुड नॉट बी रेकलेस एंड मस्ट स्टिल बी डन इन द सेंसेबल प्रूडेंट मैनर. द एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट इज बेसिकली एन ऑब्जेक्टिव वन. इज सेंस द क्वेश्चन इन वॉट ऑर्डनरी पर्सन विद द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ माइट बी एक्सपेक्टेड टू डन इन द सर्कमस्टांसेस इफ वॉज एक्टिंग ऑन हिज ओन बिहाफ. तो ये क्या कहना चाहते हैं कि हम डायरेक्टर के टास्क को इस तरीके से इवेल्यूएट करेंगे कि अगर एक ऑर्डिनरी पर्सन अपनी जिंदगी में कोई डिसीजन खुद के लिए ले रहा होता तो जिस प्रकार की वो सावधानी बरत रहा था वैसी सावधानी क्या करना पड़ेगी, डायरेक्टर को भी क्या करनी पड़ेगी, बियर करनी पड़ेगी. ड्यू डेलीजेंस और केयर के साथ में क्या करना है, काम करना हो, नॉर्मल प्रूडेंस के रूप में उसको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा. अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट बात है. देयर आर इंटरेस्टिंग सिचुएशन व्हेन द स्टैंडर्ड ऑफ केयर मे डिफर इवन डायरेक्टर ऑफ द सेम कॉर्पोरेशन. ए डायरेक्टर हु इज ऑल्सो हैज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एग्जाम्पल CPA एंड यूज देम इज एन एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी CFO मे बी सब्जेक्ट टू हायर लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इन दिस केस द डायरेक्टर मे हैव हायर स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड अनक्वालिफाइड डायरेक्टर बिकॉज ऑफ देयर हायर लेवल स्किल एंड द स्पेसिफिक रोल बाई फुलफिल एंड फॉर दे रिसीव एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन. तो समटाइम क्या होता है, डायरेक्टर है ना एज ए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में भी क्या करते हैं, कंपनीज में काम करते हैं. जैसे CPA है,
तो दे हैव सम काइंड ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो जब वो अपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में काम कर रहे हैं तो उनकी क्या है, हायर लेवल ऑफ क्या हो जाती है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है। फिर उसके बाद आते हैं, देखिए डायरेक्टर भी दो प्रकार के होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु आर नॉट इन्वॉल्व इन द बिजनेस, केवल उनका नाम होता है बिजनेस में, केवल वो एक तरीके से नाम के रूप में कंपनी से जुड़े होते हैं, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग ऑन द डे टू डे एक्टिविटीज। हाउएवर द केयर स्किल एंड डेलीजेंस दैट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मे बी एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज मे नॉट इक्वेट द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु होल्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो ज़्यादा केयर हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से, जितनी हम किससे होल्ड एक्सपेक्ट करेंगे, दोज हु होल्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो जिनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। अब देखिए कुछ बिजनेस जजमेंट दिए, चलिए इस बिजनेस जजमेंट को आप पढ़ के बताइए क्या मतलब निकल रहा है। आई जस्ट वॉन्ट टू यही है कि डायरेक्टर ये कह सकते हैं उसकी ड्यूटी जो है ना, उसने एक्ट किया अपने बिजनेस में वो केयर डेलिजेंसी के साथ किया है, जब भी उसने डिसीजन लिया है ना, कोई भी डिसीजन उसने लिया है मेक अ जजमेंट अपने गुड फेथ के साथ, कोई जजमेंट प्रॉपर वे से किया है, एंड उसका जो मेटीरियल जो इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर जो है ना उसमें उसका पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं था जब उसने जजमेंट किया है, और उसने इन्फॉर्म से बहुत सब्जेक्ट मैटर जिसमें। तो देखिए ये है ना एक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, एज ए प्रोटेक्शन फॉर द डायरेक्टर कॉरपोरेशन एक कंटेन द बेस्ट जजमेंट रूल अब बिजनेस जजमेंट रूल सॉरी इफेक्टिवली डायरेक्टर कैन बी सेट टू हैव मेट देयर ड्यूटी टू एक्ट विद द केयर एंड डेलीजेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीजन दैट दे हैव मेड इफ। तो हर वो डिसीजन ऐसा माना जाएगा कि उसने केयर एंड डेलीजेशन के साथ लिया है यदि ये सारी चीजें शामिल है। पहला काम, मेक द जजमेंट इन गुड फेथ फॉर द प्रॉपर पर्पस, आपने गुड फेथ सद्भावना पूर्वक इक्विटी पूर्वक काम किया हो। डू नॉट हैव मटेरियल पर्सनल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जजमेंट, जो भी कोई डिसीजन लिया जा रहा है उसमें आपका पर्सनल मटेरियल इंटरेस्ट नहीं, मटेरियल मतलब सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट नहीं है। इन्फॉर्म देमसेल्फ अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जजमेंट टू एक्सटेंड दे रीजनली बिलीव टू अप्रोप्रिएट, इस बात का उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि जो जजमेंट है वो बिल्कुल सही लिया जा रहा है। रेशनल होना पड़ेगा, बिलीव दैट जजमेंट इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कॉरपोरेशन, उसको हमेशा ये मान के चलना है। रेशनल मतलब उसको बायस्ड नहीं होना है किसी चीज से, हर चीज के ऊपर उसको रेशनल होना पड़ेगा कि कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में ही क्या है उसको काम करना है। अब एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टू फुलफिल देयर ड्यूटी डायरेक्टर नीड टू नो वॉट इज हैपनिंग विद देन द कंपनी एंड इट्स एनवायरमेंट विद इन विच द कंपनी ऑपरेट्स। तो उसको कंपनी जिस ऑपरेशन में काम कर रही है, जिस इकोनॉमिक एनवायरमेंट में काम कर रही है, उसको हमेशा क्या होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। अगर आप अपडेटेड नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं कंपनीज में आप नेग्लिजेंट है। तो रीडिंग बोर्ड पेपर इज अ क्रूशियल फैक्ट ऑफ हिज ड्यूटीज। अप्लाइंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब अलर्ट होना चाहिए। आस्किंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चन ऑफ द कंपनीज ऑफिसर। सोचो आप एक मैनेजिंग डायरेक्टर में, मान के चलो आप एक कंपनी की डायरेक्टर बन जाते हो सीपीए करने के बाद, तो आपके अंदर एक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होना चाहिए कि जो आपके जूनियर स्टाफ हैं आप उनके ऊपर क्वेश्चनिंग माइंड आपकी होना चाहिए। आप हमेशा अलर्ट होना चाहिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। कंपनीज के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते समय यू शुड बी वेरी प्रोफेशनली हाईली स्किल्ड होना चाहिए। एंड ऑडिटर इनेबल डायरेक्टर टू गेट इन्फॉर्मेशन दैट रिक्वायर मेक इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। तो आपको कंपनी के बारे में हर वो चीज़ का क्या होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो कंटिन्यूस डिस्क्लोजर रिजीम में कुछ चीज़ें आएंगी जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं। एक सेकंड, पहले मैं देख लूँ कि कितना इंपॉर्टेंट वाला है भी कि नहीं है वाला, क्योंकि पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं डिस्क्लोजर रिजीम्स। ए फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर रिलेटेड टू रिमेनिंग इन्फॉर्म अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द लिस्टेड कंपनी इज रिजीम कंटिन्यूस डिस्क्लोजर दैट नाउ अप्लाइज टू कंपनी लिस्टेड और मेजर एक्सचेंज
इंक्लूडिंग ASX. तो बहुत सारे डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं कंपनीज के. दिस इज टू इंश्योर दैट शेयर होल्डर एंड अदर स्टेक होल्डर्स आर प्रोवाइडेड हाई क्वालिटी डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशन रिजल्ट ऑफ द कंपनी. तो देखिए, जब हम एक कंपनी के डायरेक्टर होते हैं तो जब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं या डायरेक्टर रिपोर्ट्स होती हैं तो उसमें हर वो इंपॉर्टेंट बातों को क्या किया जाता है, डिस्क्लोज किया जाता है. किस चीज़ के लिए किया जाता है? दिस इज इंश्योर दैट स्टेक होल्डर्स को हर बात की क्या है, प्रॉपर जानकारी है. जैसे उन्होंने नीचे बताया, दिस इंक्लूड एनी एस्पेक्ट ऑफ द ऑपरेशन माइट इंपैक्ट ऑन द शेयर्स प्राइस ऑफ द कंपनी और द मार्केट परसेप्शन ऑफ द कंपनी. ऐसा कोई डिसीजन, ऐसा कोई ऑपरेशन एक्ट जो कि कंपनी की शेयर प्राइस को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है, तो हर प्रकार की चीज़ों का क्या होना चाहिए, डिस्क्लोजर होना चाहिए. दिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व मैटर सच गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट. तो गवर्नेंस से रिलेटेड, परफॉर्मेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हर प्रकार की चीज़ें कहीं ना कहीं क्या है, आपको डायरेक्टर रिपोर्ट्स में डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, जिससे कि जो स्टेक होल्डर हैं और शेयर होल्डर हैं वो क्या रहें, अपडेटेड रहें कंपनी के बारे में, उनको सारी चीज़ें पता हो. तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कंटिन्यूस डिस्क्लोजर आपको क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा. मतलब इसको नट शेल में अगर आप देखें तो वो यही कहना चाह रहे हैं. अब यहाँ पर एक बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है बड़ी सेंसिटिव होती है. अब यहाँ पे लिखा, हाउएवर रिक्वायरमेंट ऑफ कंटिन्यूस डिस्क्लोजर इज नॉट कन्फाइंड इन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन दैट इज एक्सपेक्टेड टू हैव मटेरियल इफेक्ट ऑफ द प्राइस सिक्योरिटी, फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्ड बिकम नेसेसरी. इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग. क्या बोलते हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग. मतलब कंपनी की जो मार्केट से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसको डायरेक्टर को किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए. तो जो मार्केट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ये सारे नाम लिखे हुए हैं, दीज आर द मार्केट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. कहीं ना कहीं इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो है, अगर बाहर के लोगों को पता चल जाए, मान के चलो कंपनी अपनी इनसाइडर जो डिटेल्स है वो बाहर लोगों को बताना शुरू कर देगा, तो कहीं ना कहीं कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है. तो वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि सेंसिटिव होती है? तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन दैट विल लीड सिग्निफिकेंट चेंज इन द नेचर और स्केल ऑफ द एंटिटीज एक्टिविटी. अब नेचर और स्केल मतलब कंपनी कोई और बिजनेस कर रही है, अब हो सकता है कंपनी इन फ्यूचर में कोई नया बिजनेस करने वाली है. मटेरियल मिनरल और हाइड्रोकार्बन डिस्कवर्ड, कोई बहुत बड़ा कंपनी को मिनरल मिल गया है, कोई खजाना मिल गया एक तरीके से देखा जाए. मटेरियल एक्विजिशन और डिस्पोजल, कंपनी ने मटेरियल का मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण. कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को खरीद लिया हो या अपनी किसी कंपनी का एक भाग बेच दिया हो, दैट इज कॉल्ड मटेरियल. ग्रांटिंग और विड्रॉल ऑफ अ मटेरियल लाइसेंस, हो सकता है कंपनी को कोई बहुत बड़ा लाइसेंस मिल गया हो किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम करने का. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है? बड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है. आप सोचो, तो अगर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाहर वालों को पता चल जाए डायरेक्टर के थ्रू, तो कहीं ना कहीं कंपनी के शेयर प्राइस में इम्पैक्ट पड़ सकता है. एंट्री इन टू वेरिएशन टर्मिनेशन ऑफ मटेरियल एग्रीमेंट, कोई मटेरियल एग्रीमेंट साइन किया. बिकमिंग ए प्लेंटी फॉर डिफेंडेंट इन द मटेरियल लॉ सूट. डिफेंडेंट मतलब आपने केस फाइल किया है या आपके ऊपर केस फाइल किया, या प्लेंटिफ हो आप पीड़ित हो सकता आपने किसी के ऊपर केस फाइल किया. तो ये सारी इंफॉर्मेशन बड़ी सेंसिटिव होती हैं, इसलिए डायरेक्टर से ये उम्मीद की जाती है कि वो ट्रस्टी के रूप में काम करते हुए इनसाइडर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लीक ना करें. तो दीज आर द एग्जांपल. एक बार इसको फटाफट रीड कर दो जरा ये वाला, फिर हम फटाफट रीड कर दो. बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको कोई डाउट आएगा देन विल डिस्कस. नहीं, इजी है. चलिए आगे बढ़ते हैं. दिस इज कॉल्ड इनसॉल्वेंट ड्यूटीज. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007 रिजल्ट इन इकोनॉमिक मेल्टडाउन विद द न्यूमरस पब्लिश्ड कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन. इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन मतलब कंपनी क्या हो रही है, बंद हो रही है, इंसॉल्वेंट हो रही है. तो दिस इकोनॉमिक एनवायरमेंट फोकस अटेंशन द डायरेक्टर ड्यूटीज वेयर कॉर्पोरेशन इज एक्सपीरियंस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज वॉस कैश सिनारियो हैज बिकम इंसॉल्वेंट. तो यहाँ पर डायरेक्टर की ड्यूटीज के ऊपर फोकस किया जा रहा है. वाइल द लॉ रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेट कैन कॉम्प्लेक्स एंड कंटेंट इंपोर्टेंट टेक्निकल अक्रॉस कंट्री, द फॉलोइंग समरी कवर्ड की इशू अंडर कॉर्पोरेशन एक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डायरेक्टर.
ए बेसिक ड्यूटी ऑफ द डायरेक्टर अंडर द कॉरपोरेशन एक्ट इज इंश्योर द कंपनी कैन पे इट्स डेट। तो सबसे पहली ड्यूटी जो है डायरेक्टर की है, डायरेक्टर को हमेशा इस बात के लिए इंश्योर करना होगा कि कंपनी अपने डेट्स को क्या कर रही है, पे कर पा रही है। मतलब आप अपने लोन, जिन लोगों ने आपको लोन दिया, जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, उनका पैसा तो डिफॉल्ट नहीं कर रहे। दिस इज द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑन ए ऑडिट ऑन ए डायरेक्टर। दिस मीन दैट डायरेक्टर मस्ट एट टाइम ऑफ डेट इज इनकर्ड हैव रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट द कंपनी विल एबल टू पे डेट व्हेन दे आर ड्यू फॉर द पेमेंट। क्योंकि जब देखिए कंपनी लोन ले रही है तो डायरेक्टर को तो पता होगा ना कि कंपनी सॉल्वेंट पोजीशन में है, इंसॉल्वेंट पोजीशन तो नहीं है, ऐसा नहीं कंपनी का दिवालिया निकलने वाला, कंपनी बंद होने वाली है कि नहीं, तो रीजनेबल अश्योरेंस उसके पास होना चाहिए। एन इंसॉल्वेंट कंपनी इज वन दैट अनेबल टू पे ऑल डेट। तो जो कंपनी अपना डेट का पेमेंट नहीं कर पा रही, दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट कंपनी। व्हेन दे फॉल ड्यू, इफ कंपनी बिकम इंसॉल्वेंट, डायरेक्टर मस्ट नॉट अलाउड इन टू इनकर फर्दर डेट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप इंसॉल्वेंट हो गए और उसके बाद आप और क्या कर रहे हैं, लोन पे लोन ले जा रहे हैं, तो फिर चुकाओगे कैसे? तो सीरियस पेनल्टीज कैन बी इम्पोज ऑन द डायरेक्टर इफ द अलाउ द कंपनी टू ट्रेड वाइल इंसॉल्वेंट। तो कंपनी इंसॉल्वेंट में है तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं डायरेक्टर के ऊपर ही अकाउंटेबिलिटी आ जाती है कि वो ट्रेडिंग ना करे और प्रकार के लोन ना ले। इट इज देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट दैट डायरेक्टर आर कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल पोजिशन, नॉट जस्ट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर when the signing of the company's financial statement। सोचिए डायरेक्टर को तो पूरी कंपनी के बारे में पता होता, लास्ट डे के ऊपर नहीं पता होता उसको, हमेशा डे वन की इंफॉर्मेशन होती है। तो ही इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। डायरेक्टर नीड टू पे केयरफुल अटेंशन टू द डिक्लेरेशन वेयर दे कन्फर्म वेदर और नॉट इट द डिक्लेरेशन देयर आर रीजनेबल ग्राउंड टू कंसीडर दैट कंपनी विल पे इट्स डेब्ट व्हेन दे फॉल ड्यू एंड पेबल। तो डायरेक्टर को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपनी अपने डेट को पेबल करने के लिए उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, डायरेक्टर को हमेशा कंसीडर करना पड़ेगा। इन सिचुएशन वेयर द कंपनी इज एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी इट मे बी प्रूडेंट फॉर द डायरेक्टर टू सीक इंडिपेंडेंट एडवाइस ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डायरेक्टर को लोगों से इंडिपेंडेंट एडवाइस ले लेना चाहिए कि देखो कंपनी की पोजिशन अच्छी नहीं है, क्या कंपनी को लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। इन एफर्ट टू प्रोटेक्ट डायरेक्टर चाहिए। तो यहाँ बात कर रहे हैं इन एफर्ट टू प्रोटेक्ट डायरेक्टर इन देयर अटेम्प्ट टू ट्रेड आउट ऑफ द इंसॉल्वेंट कंपनी एक्ट इंक्लूड अ सेफ हार्बर प्रोविजन अंडर द प्रोटेक्ट डायरेक्टर हु इनकर डेट व्हाइल इंसॉल्वेंट आर प्रोटेक्टेड। तो ये वो सिचुएशन है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ से पूछी जा सकती है। ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कब डायरेक्टर को, अगर डायरेक्टर ने इंसॉल्वेंसी होते से भी लोन ले लिया तो डायरेक्टर को कब हम प्रोटेक्ट करेंगे एज पर हार्बल सेफ हार्बल प्रोविजंस। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। सो इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एट अ पर्टिकुलर टाइम आफ्टर द पर्सन स्टार्ट टू सस्पेक्ट द कंपनी मे बिकम इंसॉल्वेंट द पर्सन स्टार्ट डेवलपिंग वन और मोर कोर्स ऑफ एक्शन दैट रीजनेबली लाइकली टू लीड बेटर आउटकम फॉर द कंपनी। अब यहाँ पर यही कह रहे कि अगर डायरेक्टर किसी पर्सन को पता चल जाए कि कंपनी क्या हो सकती है इन फ्यूचर में, इंसॉल्वेंट हो सकती है, तो वो ऐसी सिचुएशन बनाए जिससे कि कंपनी अल्टीमेटली रिकवर कर पाए, रीजनेबली लाइकली टू लीव बेटर आउटकम्स हो सके, तो उसको ऐसी पॉलिसीज और ऐसी प्रोसीजर लगाना चाहिए, तब हो सकता है कि हम उसको रिस्पॉन्सिबल ना ठहराएं। दूसरा, द डेट इज इनकर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्शन विद द सर्च कोर्स ऑफ एक्शन ड्यूरिंग द पीरियड स्टार्टिंग द टाइम एंड एंडिंग एट द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डे। इफ द पर्सन फेल टू टेक अवे कोर्स ऑफ एक्शन विद रीजनेबल पीरियड आफ्टर द एंड ऑफ द रीजनेबल पीरियड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आपने डेट लिया उस दौरान आपको रीजनेबल स्टेप्स क्या करने पड़ेंगे, उठाने पड़ेंगे। व्हेन पर्सन सीज टू टेक एनी सर्च कोर्स ऑफ एक्शन, व्हेन एनी सर्च कोर्स ऑफ एक्शन सीज टू बी रीजनेबली लाइकली टू लीड बेटर आउटकम द अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी। तो डायरेक्टर को कई बार लिक्विडेटर मतलब कंपनी को बंद करने के लिए, चलाने के लिए या उसके फंड को मैनेज करने के लिए लिक्विडेटर और एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करना पड़ता है, और जब कंपनी बंद हो रही होती है तो उसको क्या करना पड़ता है, लिक्विडेटर को भी वो क्या करता है, अपॉइंट करता है। तो डायरेक्टर के ऊपर ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई। चलिए एग्जांपल टू पढ़ लेते हैं, पहले मैं एक बार जरा ये पैरा पढ़ के देख लूं कोई खास चीज हो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप भी पढ़ो मन में, मैं भी पढ़ता हूं जब तक।
तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब एक इंसॉल्वेंट कंपनी होती है तो जब एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है तो लिक्विडेटर को हमेशा बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना चाहिए, जिससे वो क्या कर सके, क्रेडिटर्स को ज्यादा से ज्यादा पैसा वापस करवा सके। लेकिन यहाँ पे लास्ट लाइन है, there are also circumstances under which debtor may find themselves liable for insolvency, that's fine. मतलब कई बार इंसॉल्वेंट होने में डायरेक्टर को पर्सनली भी लायबल ठहराया जा सकता है कि उनको क्या करना पड़ेगा, अपने असेट्स को बेचकर पेमेंट करना पड़ सकता है, ऐसा केस में डिसीजन दिया गया है। क्योंकि कई बार डायरेक्टर जो होते हैं ना वो अनलिमिटेड डायरेक्टर अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले होते हैं, मतलब दे आर लायबल फॉर पर्सनल लेवल जिस उनको पैसा उसके लिए कोई दिया। अब ये एक बहुत अच्छा केस स्टडी दी है, चलिए अब आप देखते हैं आप केस स्टडी को के बेसिस पे जज कर पाते हैं कि नहीं। जस्ट रीड आउट, फिर मैं भी आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, पहले आप रीड कीजिए, पूरा फोकस के साथ पढ़ना। जो मैनी जेल है ना, मैनी जेल, हम बात करते हैं नोटेबल केसेस इन द न्यूजीलैंड एंड Menizel cases is example of court decision in the February 2019 that director were liable for trading while insolvent. मतलब कंपनी इंसॉल्वेंट थी फिर भी डायरेक्टर लोन ले रहे थे, डेट इनकर्ड कर रहे थे, एंड दैट द डायरेक्टर वर टू पे पेनल्टी फॉर 36 मिलियन, ये डिसीजन दिया गया। Menizel was construction company that was placed in the hand of liquidator in the 2013 after it held build अब 110 मिलियन डेट टू क्रेडिटर्स। तो जो लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ उसने क्या करा, डेटर्स को पैसा वापस किया 110 मिलियन डॉलर। फ्रॉम द न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर डेम जेनी शिपली एंड अदर डायरेक्टर वर टोल्ड दे वर टू पे अमाउंट ऑफ कैप्ड 6 मिलियन इंडिविजुअली। दिस केस इलस्ट्रेट नीड फॉर द डायरेक्टर। तो यहाँ से हमको इस केस लॉ में एक चीज का पता चला, दिस केस नीड फॉर डायरेक्टर टू गेट प्रॉपर लीगल एडवाइस एज वेल एज द ड्रॉइंग अटेंशन टू फैक्ट दैट डायरेक्टर शुड नॉट यूज एन ऑडिटर ओपिनियन दैट व्यूज द एंटिटी एज ए गोइंग कंसर्न। तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए, केवल ऑडिटर के व्यू को कंसिडर नहीं करना चाहिए, उनको लीगल एडवाइस लेते रहना चाहिए कि क्या कहीं कंपनी बंद तो नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर कंपनी बंद हो जाएगी तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिविजुअल लेवल पर। अटेंशन टू फैक्ट दैट डायरेक्टर शुड नॉट यूज एन ऑडिटर ओपिनियन दैट व्यू द एंटिटी इज गोइंग कंसर्न एज ए सोल बेसिस फॉर देयर असेसमेंट फॉर वेदर द एंटिटी इज एबल टू पे इट्स डेब्ट और एज दे फॉल ड्यू। तो ध्यान रखिए डायरेक्टर को टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, एक लीगल एडवाइस लेते रहना चाहिए कि कहीं कंपनी सॉल्वेंट है कि नहीं है, कहीं कंपनी अपने डेट्स को पैसा देने के लिए एबल है कि नहीं। अगर कंपनी अपने डेट को पेमेंट करने के लिए फुलफिल नहीं तो उसका क्या हो सकता है, इन फ्यूचर लिक्विडेशन हो सकता है, और इस केस लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्टर को पर्सनली क्या ठहराया जा सकता है, लायबल ठहराया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे लैंड
सेकंड लाइन में बोला कि पेंसिल को उनके लिक्विडेटर ने 110 मिलियन पे किया। ना ना, वो ये कहना चाहते हैं कि जब लिक्विडेशन हो गया तो कंपनी के एसेट, लिक्विडेशन क्या है, जब कंपनी इंसॉल्वेंट होगी तो एक एक गवर्नमेंट क्या करती है, एक पर्सन को अपॉइंट करती है, वो कंपनी की सारी एसेट्स को बेचता है और जो एसेट्स से पैसा आता है उसको डेटर्स क्रेडिटर्स को वापस करता है। तो यहाँ पर जो लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ था उसने कंपनी के एसेट्स को बेचकर 110 मिलियन डेट क्रेडिटर्स को चुकाया है, वो ये कहना चाहिए। तो यहाँ कंसीडर व्हाट आर द इशू दैट यू शुड कंसीडर इंपॉर्टेंट इफ यूर डायरेक्टर कंटेम्पलिंग वेदर यूर एंटिटी वॉज गोइंग कंसर्न और नॉट। तो देखिए कंसर्न के बारे में बता रहे हैं इलिस, क्योंकि एग्जाम में आपको केस स्टडी आएगी तो आपको लिखना पड़ेगा वहां पे केस स्टडी। हम एग्जाम में दो केस स्टडी आएंगे, वो मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में होंगे, इसलिए केस स्टडी। तो यहां पर देखिए केस स्टडी क्या बोल रहे हैं, इलस्ट्रेट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कंसर्निंग द ड्यूटी केयर एंड डिलिजेंस एक्सपेक्ट ऑफ डायरेक्टर व्हेन दे अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहां पर आपको हमेशा लिखना पड़ेगा कि डायरेक्टर को ड्यूटी केयर एंड डिलिजेंस की रिक्वायरमेंट होगी जब कभी भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करेंगे, और उनको हमेशा इस बात के लिए अश्योर होना चाहिए कि कंपनी अपने डेट को पे करने के लिए क्या है, सॉल्वेंट, एंड हाउ प्रॉब्लम में ऑकर। बोथ केसेस रिवील कंपनीज डायरेक्टर कैन नॉट रिलाय सोली ऑन द व्यूज ऑफ कंपनीज एग्जीक्यूटिव ऑडिटर। तो आपको यहाँ पर एक चीज ये भी लिखनी पड़ेगी एग्जाम में कि बोथ केसेस बताते हैं कि कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनको केवल एग्जीक्यूटिव और ऑडिटर की बातों पर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, उनको दे मस्ट एक्सरसाइज देयर ओन जजमेंट, क्योंकि पता चले ऑडिटर तो बोल रहा है कंपनी सॉल्वेंट है लेकिन हो सकता है कंपनी बंद होने वाली है। तो ऐसी केस स्टडी दी जाएगी तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, वाइल द कोर्ट में लुक दीज सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज सच एज CFO CEO फॉर मोर डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉर्पोरेट, इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी कंपनी डायरेक्टर। तो देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जब कोई केस स्टडी, इसलिए केस स्टडी को बड़े अच्छे से पढ़ना है, इट इज द ड्यू, जब कभी भी आप सेल्फ भी पढ़ें तो प्रोविजन से ज्यादा केस स्टडी को पढ़ें, क्योंकि दो केस स्टडी आनी है। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी कंपनी डायरेक्टर टू हैव अंडरस्टैंडिंग मेन इशू इन एनुअल रिपोर्ट एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड दीज ड्यूटीज आर नॉट डेलीकेबल टू अदर्स। तो कंपनी के डायरेक्टर की ड्यूटी होती है कि वो एनुअल रिपोर्ट को पूरा पढ़े, पूरा समझें, ड्यू डिलिजेंस रखें, और कभी भी एग्जीक्यूटिव्स और ऑडिटर की बातों के ऊपर सोली वो लोग क्या नहीं कर सकते, बिलीव नहीं कर सकते, दे शुड एक्सरसाइज देयर ओन जजमेंट ऑल्सो, गेटिंग माय पॉइंट। ये आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। दूसरी केस स्टडी आप देखिए, आप इसको एडजस्ट कर पाते हैं कि नहीं, बड़ी है, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी केस स्टडीज आएंगी बड़ी बड़ी, तो एक बार आप पूरा पढ़िए, मैं भी आपको हेल्प करूंगा इसमें, पर यू हैव टू फर्स्ट रीड योर ओन, देन आई विल गोना हेल्प यू, और फिर इसको हम पूरा अच्छे से समझेंगे। रीड आउट, हेलो जी, आपकी आवाज कट गई थी, आप आ रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, आराम से पढ़िए।
ओके, थोड़ा थोड़ा बहुत बहुत तो तो समझ समझ आ आ गया गया ये। ये मैंने नहीं अभी हमने सारी सारी पॉइंट्स पॉइंट्स में में कवर कवर कर कर लिए लिए हैं। हैं तो ड्यूटी ऑफ केयर, तो वही कहते हैं कि आपको ड्यूटी ऑफ केयर रखना पड़ेगा। तो यहाँ कह रहे हैं सेंट्रो केसेस इम्फेसिस द ड्यूटी ऑफ केयर एक्सपेक्टेड ऑफ द पब्लिक कंपनी डायरेक्टर। तो आपको जब कभी भी केस स्टडी लिखनी पड़ेगी तो सबसे पहला काम आपको ड्यूटी ऑफ केयर के बारे में ही बताना पड़ेगा कि हाँ, कंपनी जैसे सेकंड सर्विस में पोस्ट बैलेंस डेट कौन सी होती है, इसका मीनिंग? बैलेंस शीट की डेट के बाद के इश्यूज। ओके, बैलेंस शीट की डेट मतलब अभी 30th जो जून होता है, जैसे फाइनेंशियल कैलेंडर उसकी डेट के बाद। हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे ऑस्ट्रेलिया में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जून में फाइल होते हैं या दिसंबर में होते हैं, कब होते हैं? जून में, जून जून में, ऐसे जैसे अमेरिका उसके में बाद दिसंबर में होते हैं। आफ्टर 30th जून। तो वो यही कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर ड्यूटी ऑफ केयर द सेंट्रो केसेस इम्फेसिस दैट द ड्यूटी ऑफ केयर एक्सपेक्टेड ऑफ द पब्लिक कंपनी डायरेक्टर व्हेन अप्रूविंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको ध्यान रखना है केस स्टडी में हमेशा इस पॉइंट का रेफरेंस आपको देना पड़ेगा कि इम्फेसिस द ड्यूटी ऑफ एक्सपेक्टेड द पब्लिक कंपनी व्हेन द अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द डायरेक्टर शुड अप्लाई दियर माइंड टू प्रपोज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग केयरफुल रिव्यू हाउ द फाइनेंशियल एनालिसिस इज प्रेजेंटेड एंड क्लियरिटी ऑफ द एकम्पाइंड डायरेक्टर रिपोर्ट्स। डायरेक्टर शुड डिटरमाइन वेदर द इन्फॉर्मेशन कंटेंट इज डॉक्यूमेंट्स कंसिस्टेड विद देयर नियर नॉलेज। तो डायरेक्टर को पूरी ड्यू केयर रखना है कि जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की जा रही है वो फेयर है, प्रॉपरली प्रेजेंटेड है, नॉलेज ऑफ द कंपनीज अफेयर, दे डू नॉट ओमिट मटेरियल मैटर्स। तो उनको कोई इंपॉर्टेंट मैटर्स को फॉरगेट नहीं करना चाहिए और दैट शुड हैव बीन नोन टू द डायरेक्टर। द डायरेक्टर शुड नो इनफ अबाउट बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। इसलिए डायरेक्टर को बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ आने वाली। अगर डायरेक्टर बन गए आप और आपको बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो फिर आपने अपनी डायरेक्ट आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एडिक्युलेटली परफॉर्म नहीं किया है। तो दैट्स वाई दे आर सेइंग कॉन्सेप्ट टू इनेबल देम टू कैरी आउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एडिक्युली। फर्दर मोर दे शुड मेक अप्रोप्रिएट इंक्वायरीज इफ दे आर अनसर्टेन। तो नट शेल में डायरेक्टर को ड्यूटी ऑफ केयर रखना पड़ेगा, उनके पास बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, उनको इन्फॉर्मेशन से वेल वर्स्ड होना चाहिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है, हर चीज़ का सही क्लासिफिकेशन किया गया, उसको सही जगह क्या दिखाया दिखाया गया। फिर दूसरा एक वर्ड आता है रिलायंस ऑन अदर्स। अगर डायरेक्टर को कहीं ना कहीं जब भरोसा करना हो किसी के ऊपर तो उसको क्या करना चाहिए, उसके बारे में बताया गया। द सेंट्रो डिस्कस आर्ग्यूड दैट कॉरपोरेशन एक्ट परमिट रीजनेबल रिलायंस। तो देखो यहाँ पर कॉरपोरेट एक्ट, फिर आपको एग्जाम में केस स्टडी में लिखना पड़ेगा कि कॉरपोरेट एक्ट ने परमिट रीजनेबल रिलायंस ऑन द ऑन अदर इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज़। तो जब आप आपकी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको भरोसा रखना पड़ेगा। एंड रीजनेबली रिलाइड सेंट्रो मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल ऑडिटर इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाइंट विद द रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं वो रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रॉपर कंपाइल करते हैं। द कोड फाउंड दैट डायरेक्टर मे रिलाय ऑन अदर्स इंक्लूडिंग मैनेजमेंट एक्सटर्नल एडवाइजर हु प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडवाइज अकाउंटिंग। सच रिलायंस कैन एक्सक्लूड इंडिपेंडेंटली वेरीफाइंग इन्फॉर्मेशन विच एडवाइज इज बेस्ड। तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको इंडिपेंडेंटली क्या करना पड़ेगा, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो कॉज फॉर सस्पिशियन सर्कमस्टांसेस डिमांडिंग क्रिटिकल अटेंशन। तो आपको अगर कोई ऐसा लगता है कि बहुत सस्पिशियस मैटर हो सकता है तो फिर आपको एक क्रिटिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट होगी। हाउएवर डायरेक्टर कैन नॉट सब्स्टिट्यूट रिलायंस ऑन एडवाइस ऑफ देयर ओन अटेंशन। तो आपको पूरी तरीके से उस पर अटेंशन देना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट एन एग्जामिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट मैटर्स। सो आपको हमेशा इंपॉर्टेंट मैटर्स को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड, विद इन द बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डायरेक्टर मस्ट अप्रोच देयर टास्क विद द इंक्वायरिंग माइंड। इसलिए तो बोला था प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। देयरफॉर डायरेक्टर्स फेलियर इज नॉट एक्सक्यूज इवन अदर्स हुम दे रिलाइड फेल इन टू एरर। तो डायरेक्टर कभी भी ये गलती का एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि भैया मुझे नहीं पता, ये तो ऑडिटर की गलती नहीं। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द डायरेक्टर। उसको खुद के ओन जजमेंट के थ्रू क्या करना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको वहां पर लिखना पड़ेगा। फिर आता है डेलीगेशन। जब आप डेलीगेशन कर रहे हो तो द ऑब्लीगेशन ऑफ डायरेक्टर टू अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अल्टीमेटली अप्रूव तो किसको करना है, जब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर के द्वारा, सीपीए के द्वारा। आपके वहाँ ऑस्ट्रेलिया में सीपीए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होते हैं ना, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में सीपीए अलग होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट अलग होते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन करते हैं वो सीपीए होते हैं। द ऑब्लीगेशन ऑफ डायरेक्टर टू अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टू एक्सप्रेस ओपिनियन एज टू देयर कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दे कैन गिव ट्रू एंड फेयर व्यू विद द डायरेक्टर्स एंड नॉट एबल टू डेलीगेट टू अदर्स। तो ध्यान रखिए,
जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करना है तो इस प्रकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेशन नहीं किया जा सकता, नॉट बी एबल टू डेलीगेट टू अदर्स। द कोर्ट रेफर टू द कोर इन irreducible requirements of director to be involved in the management of the company. So it is the prime duty of the auditor not to delegate these kind of matter to others. तो ये आप matter जो हैं financial statement को approve करना और वो financial statement true and fair view देते हैं या नहीं देते हैं, इस बात की जो accountability है वो ultimately किसके ऊपर है? director। Financial competency, उसके बाद information flow, director have duty to take into account information दे रिसीव फ्रॉम ऑल सोर्सेज। तो ये ड्यूटी बताई गई है डायरेक्टर की कि उनको सारी इंफॉर्मेशन क्या है मिलना चाहिए। फिर फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी के बारे में भी एक बात कर रहे हैं, डायरेक्टर आर रिक्वायर्ड टू हैव फाइनेंशियल लिटरेसी। अब डायरेक्टर को हमेशा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग बेसिक अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड टू एक्सरसाइज प्रॉपर डेलीगेशंस इन द रीडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नोट दैट डज नॉट मीन दैट डायरेक्टर शैल हैव अ वर्किंग नॉलेज ऑफ ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पूरा वर्किंग नॉलेज, इट डज नॉट मीन दैट डायरेक्टर शुड हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ ऑल द अकाउंटिंग, बट उनके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी होना चाहिए। व्हाइल देयर आर मेनी मैटर ऑफ द डायरेक्टर मस्ट फोकस ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज रिगार्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर। फॉर इंस्टेंट डायरेक्टर शुड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके अंदर बताया गया है कि क्या क्या चीजें उसको पता होनी चाहिए, क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स, लायबिलिटी, करंट नॉन करंट, एंड डायरेक्टर शुड अंडरस्टैंड वॉट दिस कंसेप्ट में। तो मतलब उसके अंदर एक फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे जब आपको ऐसा डायरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन है तो आपको चार पांच लाइन याद कर लेना है। एक तो रिलायंस अदर्स के ऊपर, उसके ड्यू की ओर रखना पड़ेगा, फाइनेंशियल लिटरेसी होना चाहिए, डेलीगेशन नहीं कर सकते, हर प्रकार की उसको इन्फॉर्मेशन आना चाहिए। तो यहाँ वो कह रहे हैं डू यू अग्री विद द आइडिया ऑफ डिफरेंट डायरेक्टर्स। अब तो ये आपको समझ में आ गया कि डायरेक्टर को किस तरीके से क्या करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, मतलब उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या आ सकती है। चलिए अगला केस, छोटे छोटे केस लो दिए, इसको पढ़िए आप एक बार। उसके एक दो सब्सिडरी कंपनी थी, एक मेन बिजनेस के जेम्स हैड बिजनेस। तो डिसीजन देखो क्या दिया गया, उन्होंने उनके पास सफिशिएंट फंड नहीं थे लेकिन उन्होंने मेंशन किया कि उनके पास है, लेकिन एंड पे डिसीजन हुआ कि उनको उन्होंने अपनी ड्यूटी ब्रीच की है डायरेक्टर ने, और उसके ड्यूटी ड्यू क्लियरेंस की अपनी उसके हाई कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया फाउंड दैट डायरेक्टर ऑफ जेम्स हार्डी had breached their duties to act due care and skill by approving release of a misleading announcement to ASX concerning the funding arrangement for the absolute liability. It was held that none of the directors were entitled to
एबडिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू मिसलीडिंग अनाउंसमेंट बाई डिलीटिंग देयर ड्यूटी टू फेलो डायरेक्टर और बाई प्लीडिंग रिलायंस ऑफ द मैनेजमेंट और एक्सपर्ट फॉर टास्क ऑफ अप्रूविंग ड्राफ्ट ऑफ द एसेक्स. तो कहीं भी डायरेक्टर अपनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी से बच नहीं सकते अगर उन्होंने दिया, तो दे आर अल्टीमेटली सोल रिस्पॉन्सिबल. ये आपको केस स्टडी में पहले इसकी कुछ केस स्टडी हो डायरेक्टर इंडिपेंडेंस यहाँ से इसको समझ लेते हैं. बाकी तो क्योंकि जितनी ज़्यादा आप केस स्टडी पढ़ेंगे ना उतना आपको सही तरीके से समझ में आएगा. डायरेक्टर की इंडिपेंडेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इट इज़ क्रूशियल टू अप्रोप्रिएट इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस इन द रोल ऑफ द डायरेक्टर. ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. जितने भी देखो एक एग्जीक्यूटिव होते हैं जो कंपनी में काम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और दूसरी बात कर रहे हैं जो नॉन एग्जीक्यूटिव जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट बी नॉन एग्जीक्यूटिव, बट नॉट ऑल एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव आर इंडिपेंडेंट. वो ये कहना चाहते हैं जरूरी नहीं है ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है उनको नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, बट जरूरी नहीं है कि सारे वो इंडिपेंडेंट भी हो. समटाइम पीपल कन्फ्यूज दीज टू टर्म, यूज द इंटरचेंजली, बट दे आर डिफरेंट. तो ये समझा रहे हैं द एसेक्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस काउंसिल रिकमेंडेड विच आर नाउ इन दियर फोर्थ एडिशन प्रोवाइड द फॉलोइंग कमेंट्री इंडिपेंडेंस ऑफ द डायरेक्टर. तो अब इंडिपेंडेंस किसको कह रहे हैं? डिस्क्राइब डायरेक्टर एज इंडिपेंडेंट कैरीज विद द पर्टिकुलर कनेक्शन दैट डायरेक्टर इज नॉट अलाइंड विद द इंटरेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट. मतलब इंडिपेंडेंट तो वो होगा जिसका मैनेजमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ऐसा सब्सटेंशियल होल्डर एंड कैन एंड विल बी ब्रिंग इंडिपेंडेंट जजमेंट टू बियर इशू बिफोर द बोर्ड. अगर उसके पास सब्सटेंशियल होल्डिंग है तो उसको क्या करना पड़ेगा? बोर्ड में आके ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा. इट इज अपीलेशन दैट गिव ग्रेट कंफर्ट टू सिक्योरिटी होल्डर एंड नॉट वन दैट शुड अप्लाई लाइटली. इट डायरेक्टर, अब देखो यहाँ इंडिपेंडेंट कंपनी में कौन हो सकता है? इट डायरेक्टर ऑफ ए लिस्टेड कंपनी शुड ओनली बी कैरेक्टराइज एंड डिस्क्राइब एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ ही और शी इज फ्री फ्रॉम एनी इंटरेस्ट. मतलब कंपनी में उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. पोजिशन और रिलेशनशिप दैट माइट इन्फ्लुएंस और रीजनेबली परसीव टू इन्फ्लुएंस. मतलब ऐसी किसी पोजिशन पे नहीं होना चाहिए जिससे वो उसको मिसलीड कर सके, परसीव्ड कर सके और इन्फ्लुएंस कर सके. इन मटेरियल रिस्पेक्ट देयर कैपेसिटी टू ब्रिंग इंडिपेंडेंट जजमेंट, जिससे उसकी इंडिपेंडेंट. सोचो अगर एक कंपनी है उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला बहुत, और एक कंपनी का जो डायरेक्टर है उस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं प्रॉफिट में हिस्सेदारी रखता है, तो फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि वो कंपनी के फेवर में डिसीजन नहीं ले पाएगा. हो सकता है एक कंपनी है उसका डायरेक्टर की रिलेटिव के साथ में कंपनी को ट्रांजेक्शन करने वाली है, तो वो डायरेक्टर यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ क्योंकि उस वो कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप के कारण क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंस हो जाएगा. तो उसको किसी ऐसी पोजीशन पर नहीं होना चाहिए, उसका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए जिससे उसकी इंडिपेंडेंट अफेक्ट हो. और अगर वो और उसको इस बात को अपने बोर्ड के सामने क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा. द मटेरियल रिस्पेक्ट ऑफ कैपेसिटी टू ब्रिंग इंडिपेंडेंट जजमेंट टू बियर इशू बिफोर द बोर्ड एंड एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द एंटिटी, जो एंटिटी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे एज ए होल रेदर देन इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटी होल्डर और दी अदर पार्टी. कंपनी के हित में काम करना है ना कि किसी इंडिविजुअल के. द थ्री कैटेगरीज ऑफ द डायरेक्टर, अब यहाँ पर डायरेक्टर को समझाया गया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट नॉन डायरेक्टर. तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्क ऑन द कंपनी एंड आर नेवर इंडिपेंडेंट, जो कंपनी के लिए काम करते हैं. दूसरा, डू नॉट वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन बट आर नॉट इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर रिलेशनशिप. नॉन एग्जीक्यूटिव कौन से होगा? जो कंपनी में काम नहीं करते बट किसी के साथ में उनका रिलेशनशिप है ऐसा जिसके कारण वो इंडिपेंडेंट उनकी अफेक्ट हो जाती है. और इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव आर फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस दैट कॉज बायस एंड एग्जिबिट्स कैरेक्टर्स ऑफ द इंडिपेंडेंट, जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का बायस्ड नहीं होते हैं वो किसी से, और जो किसी चीज़ से फ्री फ्रॉम क्या होते हैं इन्फ्लुएंस, उनको ही बोला जाता है इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. द यूके कॉर्पोरेशन कोड प्रोड्यूस बाई यूके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल एंड नोन एज FRC कोड प्रोवाइड द फॉलोइंग आइटम्स टू बी हेल्प गाइड कंसिडर वेदर द डायरेक्टर इज इंडिपेंडेंटली बाई आस्किंग इफ द डायरेक्टर. अब यहां पर आपको एक कोड बताया गया कि कब डायरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं होता, तो ये सारी सिचुएशन है. मतलब अगर आप इन बातों में आ जाते हैं कहीं, इनमें से किसी एक में भी आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसी किसी एक बात भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है, सो यू विल नॉट बी कंसीडर एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. सबसे पहले
ही हैज़ बीन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी और ग्रुप विद इन द लास्ट 5 ईयर. अगर वो कंपनी का एम्प्लॉई है पिछले 5 सालों में और उसको बाद में डायरेक्टर बना दिया गया, तो फिर ऐसा पर्सन कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता. हैज़ और हैड विद इन द लास्ट 3 ईयर मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप. कंपनी के साथ में पहले वो मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप रखता था. मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप मतलब कंपनी को बहुत ज़्यादा माल बेचता था या उनसे खरीदता था, आइदर डायरेक्टली या तो खुद खरीदता था या पार्टनर के थ्रू खरीदता था या शेयर होल्डर के थ्रू खरीदता था या सीनियर एम्प्लॉय ऑफ द बॉडी दैट इज सच रिलेशनशिप विद दी कंपनी. तो ऐसे पर्सन को इंडिपेंडेंट नहीं माना जाएगा. हैज़ रिसीव्ड एडिशनल रेम्यूनेशन फ्रॉम द कंपनी अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्टर फीस. डायरेक्टर फीस के अलावा आपको अलग से कुछ पैसा मिला करता था, कंपनी से एडिशनल रेम्यूनेशन मिलता था. तो अगर आप ऐसा रेम्यूनेशन ले रहे थे तो यू विल नॉट बी कंसिडर एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. कंपनी शेयर ऑप्शन टू परफॉर्मेंस रिलेटेड पार्टी स्कीम. तो कंपनी जब शेयर इशू कर रही तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता था. मेंबर ऑफ द कंपनी पेंशन स्कीम, कंपनी से पेंशन वगैरह ले रहा है. ही हैज क्लोज फैमिली टाइप विद द कंपनीज एडवाइजर डायरेक्टर सीनियर एम्प्लॉई. कंपनी के जो डायरेक्टर डायरेक्टर हैं सीनियर हैं उनके साथ में उसका क्लोज फैमिली टाइप्स हैं. होल्ड क्रॉस डायरेक्टरशिप एज ए सिग्निफिकेंट लिंक विद द डायरेक्टर थ्रू इन्वॉल्विंग अदर कंपनीज बॉडी. अब एक कंपनी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी होल्डिंग समझते हैं. तो अगर वो क्रॉस रिलेशनशिप, हाँ, तो जो पेरेंट कंपनी में कोई सब्सटेंशियल पोजीशन होल्ड करता हो, रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर, उसके पास कंपनी के बहुत ज़्यादा शेयर्स हैं, तो ऐसे डायरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलते हैं. इवन इफ द डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव, हाँ, मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा अगर ये वाली सारी चीज़ें उस पर अट्रैक्ट हो जाएंगी. तो दीस आर द कॉन्सेप्ट. अब इसके ऊपर भी केस स्टडी होगी मेरे से. क्वेश्चन याद दिए आपको, ये क्वेश्चन होंगे आपके, है ना? हाँ जी, हो जाता है इसके. एक सेकंड, मैंने उस पर क्लिक कर दिया, वेबसाइट भी चले गए. कौन से पेज पे आ गया था मैं? 150 के आसपास. 128. कंपनी सेक्रेटरी एंड ड्यूटीज. कंपनी सेक्रेटरी जो कंपनी के कंप्लायंस करता है, तो कंपनी सेक्रेटरी आर इंडिविजुअल हु फुलफिल क्रिटिकल कंप्लायंस रूल. कंपनी सेक्रेटरी हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस, मेंटेन ऑल कंप्लायंस ऑब्लिगेशन विद द कॉरपोरेट रेगुलेटर. तो जो कॉरपोरेट रेगुलेशन से रिलेटेड है, जो सारे कंप्लायंस का काम करना है ना, वो किसके द्वारा किए जाएंगे? कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा. वहां पे कोर्स होता है ना कंपनी सेक्रेटरी का भी, आपको पता ही होगा. दिस विल इंक्लूड इंश्योरिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आर फाइल्ड ऑन टाइम, फीस रजिस्ट्रेशन पेड एंड चेंजेस टू कंपनी रजिस्ट्रार कॉरपोरेशन. तो जितने भी कॉरपोरेट एक्ट के जो काम है, जिसे रजिस्ट्रेशन करना है, कंपनी को डॉक्यूमेंट भेजना है, कंपनी के डायरेक्टर की बोर्ड मीटिंग्स कराना है, तो ये सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं? कंपनी सेक्रेटरी के. तो दीज चेंजेस इंक्लूड न्यू डायरेक्टर, उसका कोई एड्रेस वगैरह चेंज कराना हो, चेंज टू एड्रेस फॉर सर्विंग नोटिस, एज वेल एज चेंज टू शेयर होल्डिंग वेयर रिलेवेंट. ए कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर ऑफ एज एंड रेसिडेंट इन द ऑस्ट्रेलिया. तो रेसिडेंट रिसाइड्स इन ऑस्ट्रेलिया है या होना चाहिए. कंपनी में मोर देन वन कंपनी सेक्रेटरी, बट एटलीस्ट वन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी रेसिडेंट इन द ऑस्ट्रेलिया. तो एक कम से कम कंपनी सेक्रेटरी का ऑस्ट्रेलिया में रहना कंपलसरी है, तभी उसको कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया जा सकता है. ऑस्ट्रेलिया वैसे बहुत अच्छी कंट्री है, मेरे हमारे दोस्त बताते हैं. इन्वायरमेंट बहुत क्लीन है. आप सिडनी सिडनी में रहते हैं ना आप? तो यहाँ पे इंडिया में कहाँ रहते थे? पंजाब में.
जी पंजाब में मंडी गोविंदगढ़। अच्छा, वो भी बढ़िया, पंजाब भी अच्छा है वैसे। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डर के पावर्स और उससे रिलेटेड कि नेचर ऑफ कॉरपोरेशन। तो सबसे पहले कंपनी में देखिए, एक तो कंपनी में होते स्ट्रक्चर में कंपनी के शेयर होल्डर हो गए, फिर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं और सीईओ जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। द पावर ऑफ द बोर्ड एंड शेयर होल्डर आर डिटेल इन द कॉरपोरेशन एक्ट इट हैज कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इंक्लूड्स राइट ऑफ बोर्ड डायरेक्टर डेलीगेशन सम पावर टू सीईओ। हाँ जी, आई एम ऑडिबल? हेलो हेलो, चलिए। तो शेयर होल्डर पावर, शेयर होल्डर आर ऑल्सो गिवन पावर अंडर द एक्ट। जनरली दीज पावर इंक्लूड पावर टू अपॉइंट, रेम्यूनरेट और रिमूव डायरेक्टर, कॉल मीटिंग्स, कॉल फॉर एंड वोट द रेजोल्यूशन, सीक रिड्रेस फ्रॉम द कोर्ट। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि अपॉइंटमेंट कौन करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का? शेयर होल्डर के द्वारा। द कॉरपोरेशन एक्ट स्टेट द डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड इन द टू वेज, बाई रेजोल्यूशन पास्ड इन द जनरल मीटिंग। तो देखिए, जो भी शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग होती है ना, उसमें क्या बोलते हैं, डायरेक्टर्स को क्या किया जाता, अपॉइंट किया जाता है बाई डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन विच सब्जेक्ट कन्फर्मेशन बाई प्रोप्राइटरी कंपनी वाई रिजोल्यूशन विद इन द 2 मंथ ऑफ द अपॉइंटमेंट। तो 2 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है, शेयर होल्डर की मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। पब्लिक कंपनी वाई रिजोल्यूशन द कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग। तो कंपनी की जो पब्लिक कंपनी के केस में एनुअल जनरल मीटिंग में क्या करना पड़ता है, रिजोल्यूशन पास करके हम लोग क्या करते हैं, किसको अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर को। वंस अपॉइंटमेंट दे कैन एक्सरसाइज ऑल। तो एक सेकंड, प्रॉपर्टी कंपनी में रेजोल्यूशन विद इन 2 मंथ्स ऑफ अपॉइंटमेंट, मींस उसको जब अपॉइंट किया उसके 2 मंथ्स के बिटवीन हमें रेजोल्यूशन पास करना होगा, डज इट मीन? यस ओके। और कम और यहां पे ना हाँ जी, जो है यहां से 3.3 नंबर स्टार्ट होता है, उसमें सेकंड लाइन है ना, वो मेरे को पता ना लास्ट में था, एंड इफ इट हैज वन अ कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डज इट मीन? The powers of the board and shareholders are detailed in the Corporation Act, and if it has run, the company's constitution. कहाँ पे, इसमें ऊपर लाइन में कि नीचे? हाँ जी हाँ जी, 3.3 point जहाँ से स्टार्ट होता है उसकी सेकंड लाइन है, board and shareholders are detailed in the Corporation Act. यहाँ से shareholder are also given power under the act. इसके ऊपर इसके ऊपर यहाँ पे? No no no, इसके ऊपर हाँ जी, 3.3 number है ना यहाँ पे, कहाँ पे? इसमें सेकंड लाइन स्टार्ट होती है ना, कॉर्पोरेशन एक्ट। तो कॉर्पोरेशन जैसे कंपनी एक्ट होता है, कंपनी एक्ट में बोर्ड के और उसके पावर पूरे डिटेल में बताए गए। इफ इट हैज कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, लाइक मेमोरेंडम एंड सर्कुलर होता है, उसी प्रकार से। तो ये बोल रहे हैं कि जो पावर है, एक तो एक्ट में भी बताया गया है और कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताए जाते हैं कि क्या क्या पावर किसको होगा। जैसे एक एक्ट हो गया और एक कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी पावर बताए जाते हैं। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ए डायरेक्टर। तो अपॉइंटमेंट डायरेक्टर पढ़ लिया, फिर उसके बाद रेम्यूनरेशन के बारे में बात करें। इन द पब्लिक कंपनी शेयर होल्डर जनरली अप्रूव ओवरऑल अपर लिमिट की कितना उनको देना है डायरेक्टर रेमुनरेशन। फॉर लिस्टेड कंपनी मेंबर्स एट द एनुअल जनरल मीटिंग्स में डिसाइड होगा, हैव अपॉर्चुनिटी। जो उन्होंने कहा अपर लिमिट, ओवरऑल अपर लिमिट, वो मींस मतलब इससे ज्यादा रेमुनरेशन नहीं दिया जा सकता, दिस इज द अबव लिमिट। ओके, इसकी पहले ओके, जैसे कंपनी ने सेट कर लिया कि 20 मिलियन डॉलर या 10 मिलियन डॉलर, व्हाटएवर जो भी वो डिपेंड्स, तो एक अपर लिमिट सेट कर दी जाती है। फॉर लिस्टेड कंपनी मेंबर एट एनुअल जनरल मीटिंग हैव अपॉर्चुनिटी टू अडॉप्ट कंपनीज रेमुनरेशन रिपोर्ट, हाउएवर दिस एडवाइजरी ओनली टू एंड डज नॉट बाइंड द डायरेक्टर और द कंपनी। टू सक्सेसिव स्ट्राइक्स नो वोट 25% टू द अडॉप्शन ऑफ द रेमुनरेशन रिपोर्ट गिव मेंबर अपॉर्चुनिटी टू वोट ऑन स्पिल रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या होता है, रेजोल्यूशन के थ्रू डिसीजन लिया जाता है। अगर आपने कंटिन्यूसली देखा कि 25% और से ज़्यादा लोगों ने उस और क्या बोलते हैं रेम्यूनरेशन को अडॉप्ट नहीं किया, तो फिर क्या करते हैं, मेंबर
उसमें मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके क्या करेंगे, डायरेक्टर का रेमुनरेशन सेट करेंगे। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सेट कर दिया कि आपका रेमुनरेशन ये होगा, फिर मान के चलो अगर 25% से ज़्यादा उन्होंने उसके अगेंस्ट में वोट नहीं किया, नो वोट और अगेंस्ट किया, अडॉप्ट नहीं किया, तो फिर मेंबर को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो क्या करें, उसका डिसाइड करते। इफ द रेजोल्यूशन इज पास बाई एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट, ऑल डायरेक्टर आर फोकस टू पुट देमसेल्फ अपॉन री इलेक्शन एंड स्पिल मीटिंग। तो जब अगर मान के चलो 50%, ध्यान रखो कभी भी बोर्ड मीटिंग जब शेयर होल्डर की मीटिंग होती है तो 50% ने अगर किसी चीज़ को पास कर दिया तो फिर वो डिसीजन क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोल्यूशन से रिलेटेड यहाँ पर कॉन्सेप्ट। क्यों क्यों थैंक हाँ जी यू थैंक यू। हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा देख लूँ इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या, क्योंकि पहले आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट केस स्टडी पढ़ा दूँ ना मैं। एक बार मुझे ज़रा गो थ्रू। ओके जी कोई केस स्टडी अच्छी वाली आई तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। खत्म हो जाएगा बस, देखा जाए तो इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें हो गया। इसके क्वेश्चन की आपके पास क्वेश्चन बैंक होगी ना, केस स्टडी की केस स्टडी जी बैंक नहीं है। हेलो हेलो, आपकी आवाज की आवाज कटने लगी मैं कह फिर रहा हूँ से। आपके पास इसकी कोई केस स्टडी की बुक आती है ना, वहाँ पे अलग से देते होंगे। नहीं नहीं देते नहीं है, लेकिन एक है मैं बाय कर सकती हूँ, $29 की है अगर आप बोलते हो। क्या बोलते हैं उसको, अनीस अगर एडवाइस करते हो ना, तो वो रिवीजन किट आती है, वो सीपी नहीं प्रोवाइड करता, अलग से हाँ रिवीजन वो किट रिवीजन आती किट आप बाय करेंगे तो उससे है क्या होगा, वो $29 की। क्योंकि ये जो है ना बहुत डिटेल बताते हैं। और देखो अगर आप इतना पूरा डिटेल पढ़ोगे तो उतना तो आपको रिटेन भी नहीं रहेगा। ये तो क्या बेयर एक्ट है, जो कंपनीज एक्ट बना हुआ है ना वहाँ पे उसको एज इट इज उठा के दे देते हैं। इन जनरल मेरे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, जितने भी मैंने ऑस्ट्रेलिया कनाडा, तो मैं उनसे रिवीजन किट ही बुलवाता हूँ। उससे क्या होता है उनको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ने में फटाफट हो जाती हैं, क्योंकि अगर आप ये पूरा डिटेल पढ़ते रहोगे ना पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने को टाइम कॉन्स्टेंट भी हो जाता है, फिर इससे आपको पता नहीं चलेगा कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ना है। उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा कि उसको आप खरीद के मुझे स्कैन करके भेज दोगे सारी। जब बीपीपी का आता है ना, बीपीपी की आती है आई गेस, मैं एक सेकंड आपको दिखाता हूँ, ऑनलाइन ही मिल जाएगी आपको। आपका कौन सा इसमें हाँ जी यही मैं बोल रही हूँ, रिवीजन किट बोलते हैं हाँ उनको। हाँ ये जैसे ये ना सीपी, ये आप इसको, ये तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, सीपी ऑस्ट्रेलिया एथिक्स एंड पास पास कार्ड ऑनलाइन मिल ये। जाएगी, लेकिन इनका मेरे को एक कंफर्म नहीं है कि ये लेटेस्ट वर्जन, क्योंकि बुक नई है मिली है ना हमें चेंज बिल्कुल नहीं होगी, बीपीपी का जो स्टडी की। मटेरियल बिल्कुल नया होता है। तो ओके उससे क्या जी होगा कि अब जैसे ये जो आप खरीद लेंगे ना, जैसे मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि जैसे पास कार्ड्स हैं ये फटाफट आपको समझ में आ जाएंगे। ये देखो ना गवर्नेंस के पास कार्ड 2020 के हैं, ये लेटेस्ट ही तो हैं, सीपी ऑस्ट्रेलिया एथिक्स एंड रिवीजन किट, सीपी ऑस्ट्रेलिया एथिक्स एंड किट ई बुक, ये वाली खरीद लेना, इट ई बुक जो है। बस बस यही यही वाली हाँ जी, इससे आपका काम हो जाएगा, फटाफट हो जाएंगे। एक ये खरीद लो आप, ये आपको क्या कहते पास कार्ड, और एक ये वाले खरीद लोगे तो उससे क्या फटाफट काम हो जाएगा आपका। मतलब मेरे को जनरल ई बुक ना, जस्ट ऑनली ई बुक। हाँ ई बुक खरीद लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। और एक आपका कौन सा, आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ लिया ऑलरेडी, निकाल लिया आपने? नहीं, मैंने इसमें कोई भी भी नहीं किया, किया, मैं मैं तो तो अभी भी इलेक्टिव इलेक्टिव कर रही हूँ। अच्छा पहले इलेक्टिव कर रहा हूँ, ओके। और फिर आपका एक ने टैक्सेशन भी जी लिया होगा ना अपने ग्लोबल स्ट्रेटजी वाला? कोई भी नहीं, मैंने किया अभी, मैं फर्स्ट एथिक चूज किया और एडवांस में, सॉरी एथिक में इलेक्टिव इलेक्टिव सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स में में मैंने मैंने एडवांस एडवांस सेक्शन सेक्शन चूज चूज किया किया हुआ हुआ है। है। ये बहुत बड़ी है।
बढ़िया इनके मतलब स्टडी मटेरियल जो है ना, इससे क्या फटाफट पढ़ के पास होने लायक आराम से बन जाएंगे, नहीं तो इसको डिटेल पढ़ते रहेंगे ना तो ये बहुत भारी चीजें पढ़ जाती हैं, मतलब नहीं तो इतना ग्रंथ आप पढ़ ही नहीं पाएंगे आखिरी दिन। आपकी एग्जाम कब बुक होने वाली है? लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर भी है। तो आपको उधर उससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो उसको आप है ना ये वाले खरीद के मेरे को इसका पासवर्ड सेट कर देना, क्योंकि ई बुक आएगी तो इसका पासवर्ड आएगा आपका, तो फिर यहाँ मैं ओपन कर लिया करूँगा और आपको स्क्रीन शॉट में पढ़ा दूंगा, तो आप भी उधर खोल सकते हैं, मैं भी उधर खोल सकता हूँ। स्टूडेंट जनरली यही करते हैं, क्योंकि ये डाउनलोड नहीं होगी, ये एक्चुअली आपको उसी पे मिलेगी, उनके इस पे पोर्टल पे ही। क्योंकि मैं जनरली जब पढ़ाता हूँ तो बच्चे ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं, तो ये उनके, अब इसमें क्या अपने को ना केस स्टडी नहीं मिलती, देखो कि इसमें से क्या पूछते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, ये तो अभी आपको पता ही नहीं है, अभी तो हमने केवल उसको थ्योरी समझ लिया। अगर आपको ये हो जाएगा ना तो आपके पास आपको पता होगा कि एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे रिवीजन किट में आपको पता चल जाएगा। तो एक ये वाली बुक, ये वाली जो रिवीजन किट है, और एक ये पास कार्ड्स, पास कार्ड में क्या समरी दी होती है, पर ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक सेकंड उसका भी होगा ना। तो आप मेरे को रिमाइंड करें कि दोनों ही पास, वो कैसे पासबुक है वो? हाँ, ये पास कार्ड ये बहुत शॉर्ट शॉर्ट समरी होती है। ओके, तो दोनों ही बाय कर लूँ। और एक ये रिवीजन किट, ये भी करना पड़ेगा आपको। ओके जी, थोड़ी सी महंगी जरूर है। कितना हो गया टोटल इसमें देखा जाए तो $66 $66 मतलब हमारे इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो कितने का पड़ गया, 3,000-4,000 रुपए की बुक पड़ गई आपको। ये डॉलर में भी नहीं है, ये पाउंड में है, ध्यान रखना। ये 7 days फिजिकली भी आ जाएगी और क्या कहते हैं आपको, और वो भी मिल जाएगी ना उसमें, क्या कहते हैं आपको ई बुक मिल जाएगी इसमें। ये ई बुक है, जैसे ही आप बाय करेंगे ना वैसे ई बुक का ऑप्शन चूज करना इसमें अकाउंट बना के, तो वैसे ही आपका क्या है तुरंत ई बुक भी लॉन्च हो जाएगी। ओके जी, जैसे इसमें ऑप्शन दिया ना, तो ये उससे जनरली लोग बीपीपी कैसे पढ़ते हैं। एक को याद है यहाँ पे मेरे क्लिक था, उसने सीपी की थी, उसने यही बुक बाय की थी, तो उसने रिकमेंड भी किया था, लेकिन मेरे को भी आप जरा सीपी किसी, आप ना बहुत सारे ग्रुपों में जुड़े होंगे वहाँ पे सीपी है व्हाट्सएप पे, मेरे को भी ऐड कर लो एक ग्रुप में। ओके जी, वैसे मेरे को मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन मींस वो इनविटेशन आता है ना तो उनको एक्सेप्ट कर लेती हूँ ऐसे घर के। आपको कैसे करना है मेरे को एडवाइस कर देना, मैं कर दूं, बोल दूंगी उनको। उनको ग्रुप में मेरा नंबर डाल देना कि काइंडली एक्सेप्ट दिस पर्सन, मेरा नंबर आपके पास है व्हाट्सएप पे। चलिए, तो फिर इसको आप खरीद लेंगे तो फिर इसके आगे से पढ़ेंगे, अभी थोड़ा और पढ़ा दूं मैं आपको 5-10 मिनट में। हेलो, ओके जी, आपकी बात कट रही है, सॉरी आपने क्या बोला? मैं कह रहा हूँ इसके आगे फिर इसमें से पढ़ाऊंगी वो खरीदेंगे आप, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। आपकी मर्जी, आप पे डिपेंड करता है, मैंने फर्स्ट डे से बोला है सिलेबस आपने करवाना जैसी मर्जी। तो फिर आप उसको आज अगर बाय कर लेते तो फिर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है हम, अच्छा एक लेक्चर मैं आपको एक्स्ट्रा दे दूंगा, आज है बुधवार है ना जो, तो मैं आपको ना शुक्रवार ले लूंगा ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे बैक टू लेक्चर। ओके, थैंक यू सो मच, है ना जो हमारा छुट्टी हो गई थी। सो मीनवाइल आप आज इस बुक को बाय कर लो, और जैसे ही वो आ जाए तो फिर मुझे बता देना, तो फिर मैं आपको उससे पढ़ा दूंगा। उसमें फिर क्या फटाफट समरी हो जाएंगी और फिर आपकी पूरी प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं आपको उससे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका एनी हाउ निकल जाए। मैंने बाय बुक बाय करने के बाद अकाउंट क्रिएट करना है, मैंने हाँ जी, आपको अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसमें से ई बुक बाय करना है। ठीक है जी, ठीक है। सो फिर हम लोग मिलते हैं फ्राइडे एंड सैटरडे, डे आफ्टर टुमारो, एट द सेम टाइम। ठीक है जी, फ्राइडे, नो वरीज, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर।
मैं आपको ये रिकॉर्डिंग भी भेज रहा हूँ, थोड़ी देर में, थोड़ी देर में आपको रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ मैं। थैंक यू। ओके कोई बात नहीं, टेक केयर, बाय।